हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजयज होम किचन। आज मैं अपनी किचन में आपके लिए बनाने वाली बहुत ही फेमस क्रिस्पी कॉर्न। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं क्रिस्पी कॉर्न की। क्रिस्पी कॉर्न बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये कॉर्न्स ले लिए हैं। एक पैकेट कॉर्न है ये मैं बॉयल कर लूँगी। और इसे बॉयल करने के लिए आपको वाटर इसमें इतना ऐड करना है कि पूरा कवर हो जाए हमारे जो कॉर्न्स हैं। और इसमें मैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाल दूँगी और 4 to 5 विसल के लिए इसे बॉयल कर लूँगी। ये देखिए, मैंने 4 to 5 विसल लगाई थी इसमें इसे बॉयल करने के लिए और अच्छे से ये बॉयल हो गया। अब मैं इसका पानी ड्रेन करके छान के थोड़ी देर रख दूँगी छन्नी में। और ये जब थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और उसके बाद मैं इसके अंदर, ये मैंने कॉर्न फ्लावर लिया है, आप कॉर्न स्टार्च या मैदा आप कुछ भी ले सकते हैं इसकी जगह पे। ये 1.5 टेबल स्पून मैंने कॉर्न फ्लावर लिया है, ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून चावल का आटा। ये मैंने घर पे ही चावल को पीस के उसका आटा बनाया है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉर्न फ्लावर भी नहीं है और मैदा भी नहीं है तो सिर्फ चावल को अच्छे से पीस लीजिएगा, दरदरा मत पीसिएगा, और उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे थोड़ी देर के लिए काउंटर टॉप पर भी छोड़ूंगी। उसके बाद मैं इसे फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पे कढ़ाई रख देती हूँ। कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, मैं मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करती हूँ। जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताई है, बात हीट हो जाएगा तो मैं ये कॉर्न्स इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी, अच्छे से फ्राई कर लूँगी। कॉर्न्स को आपको बहुत अच्छे से फ्राई करना है, पर एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, आपको इन्हें कवर करके ही फ्राई करना है, ओपन में फ्राई मत करिएगा, क्योंकि जो कॉर्न्स हैं वो फटते हैं और इसमें से ऑयल भी छिटकता है तो जलने का भी डर है। तो आप इसको हमेशा कवर करके फ्राई करिएगा। ये मैं फ्राई करने के बाद जब फ्राई हो जाएंगे तो मैं इन्हें किसी भी एक चीज़ में निकाल के ड्रेन का जो ऑयल है वो ड्रेन करने के लिए रख दूंगी। ये देखिए, इस टाइप से मैंने एक छन्नी ले ली थी और उसमें मैंने इसे ड्रेन करने के लिए रख दिया है ऑयल को। और अब मैं इसे, जब ये ऑयल अच्छे से इसका निकल जाएगा, मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने, आ रही है ना आपको इसकी साउंड, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं ये, आप भी ट्राई करिएगा। और आपको और भी ज़्यादा क्रिस्पी करने हैं तो आप इनको डबल फ्राई भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इनको अपना रेडी कर लेते हैं। आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं और आप चाहें तो इसके अंदर मसाले भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं आपको अभी करके दिखाऊंगी। ये मैं इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर ले रही हूँ और इसके साथ मैं डालूंगी 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। और मैं इसके अंदर डालूंगी अब 1/2 टेबल स्पून आमचूर पाउडर। ये मसाले आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी कटी हुई प्याज, ये मैंने फाइनली चॉप की थी, ये मैंने इसके अंदर डाल दी। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला और 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें ब्लैक सॉल्ट भी डालूंगी। अब जीरा पाउडर ऐड किया है मैंने 1/2 टेबल स्पून और मैं इसे बहुत अच्छे से मिक्स करके सर्व कर लूँगी। और इसमें मैं अभी थोड़ा सा बटर भी ऐड करूँगी, ये भी ऑप्शनल है, बटर से थोड़ा सा बटरी टेस्ट आ जाता है, वो थोड़ा अच्छा लगता है। तो देखिए हमारी ये क्रिस्पी कॉर्न रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।